उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज 12:30 बजे के करीब प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस दौरान वह लगभग 4 घंटे प्रयागराज में रहेंगे और 2024 सहित कुंभ मेला में 2025 में होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा बैठक और स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माघ मेला 2024 की तैयारी एवं कुंभ मेला 2025 को लेकर हो रहे कार्यों की समीक्षा बैठक प्रयागराज के मेला प्राधिकरण के सभागार में करेंगे। इस दौरान माघ मेला में चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे, जिसमें संगमनोज, नागवासुकी मंदिर, लेटे हनुमान जी, अक्षयवट मंदिर, पातालपुरी, किलाघाट के आसपास के क्षेत्रों में चल रहे कार्यों का निरीक्षण मुख्य रूप से होगा। इसके अलावा झूसी और केतापदी इलाकों में विकास कार्यों की चक प्लेटों की स्थिति एवं प्लांटून पुलों के निर्माण एवं उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास को लेकर स्थलीय निरीक्षण करेंगे। 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बमरौली एयरपोर्ट की ओर प्रस्थान करेंगे, जिस दौरान वह धूमनगंज स्थित बन रहे फ्लाईओवर का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के उपरांत 4:15 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज से लखनऊ की ओर राजकीय विमान से रवाना हो जाएंगे। इस विषय में जानकारी देते हुए मेला अधिकारी माघ मेला दयानंद प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा इन कार्यों की समीक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। 1 बजे मेला क्षेत्र के प्रवेश करेंगे और 3:50 पर वह मेला क्षेत्र में रहकर निरीक्षण कर समीक्षा बैठक के कार्य आज संपादित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा विशेष होगा, क्योंकि इस दौरे के दौरान कुंभ मेला 2025 के लिए हो रहे कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी, जिसको लेकर अलग से तैयारी की जा रही है। आई ट्रिपल सी प्रांगण में बन रहे सभागार में हो रही समीक्षा बैठक में माघ मेला 2024 एवं कुंभ मेला 2025 के लिए किए जा रहे कार्यों के में आ रही मुश्किलों पर भी मुख्यमंत्री योगी नाथ समीक्षा। मुख्यमंत्री जी कितने बजे उनका आगमन हो रहा है और इस दौरान वो कहां कहां जाएंगे और इसके अलावा मेला को लेकर कितनी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद आगमन में प्रस्तावित है, जो कार्यक्रम आया है उसके हिसाब से 13:10 बजे संगम नोच पर आ जाएंगे। उसके बाद से संगम नोच पे हमारी माघ मेला और कुंभ मेला से संबंधित जो योजनाएं हैं उसका एक संक्षिप्त होगा और वहां के बाद किला घाट जाएंगे। किला घाट से हमारा अक्षयवट सरस्वती को पातालपुरी मंदिर होते हुए का कार्य देखते हुए उसके बाद से वो जाएंगे परेड ग्राउंड में, जहाँ पांटून पीपा पुल का निर्माण का कार्य चल रहा है, नागवासुकी मंदिर। उसके बाद से IEEE सभागार में बैठक करते हुए 15:50 तक माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण और यहाँ पे समीक्षा बैठक करके प्रस्थान कर जाएंगे मेला क्षेत्र से। सर, मेला क्षेत्र की बात करें तो मेला क्षेत्र का 25 दिसंबर लास्ट डेट दिया गया था तैयारियां पूरी करने के लिए, इसके लिए अब तक कितनी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आगामी जो तैयारियां बची हैं वो कब तक पूरी कर ली जाएंगी? जी, 25 दिसंबर तक सारे डिपार्टमेंट को कहा गया था कि अपने मुख्य मार्गों को आप निर्माण कर लेंगे। इसके क्रम में हमारा ओल्ड जीटी और महावीर पांटून पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। शेष जो 4 पुल है उनको लिंक कर दिया गया है, अब उसमें फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। सारे मुख्य मार्गों का फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। आज रात्रि तक या कल सुबह तक में सारे कार्य मुख्य मार्गों का पूरा हो जाएगा और जो घाटे मार्ग और छोटे छोटे मार्ग है, जैसे जैसे संस्थाएं आएंगे हम लोग 30 तारीख से पहले पहले सारे मेला का बसावट कार्य पूर्ण कर लेंगे। जैसा कि हमारे अलाटमेंट की तिथियां, भूमि अलाटमेंट की तिथियां जारी की गई है, उसमें 2 तारीख तक हम लोग पुराने सभी संस्थाओं को भूमि आवंटित कर देंगे और उससे पूर्व जो है सभी बसावट के कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। धन्यवाद।